ओके, तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये संदेशों को सुनना। तो हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला विषय है वो अन्य भाषा को लेकर है, क्योंकि इस पर बहुत वाद विवाद चलता रहता है, बहुत से विवाद चलते हैं इसमें। तो मैं जो जो सब्जेक्ट जो सिखा रहा हूँ उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है, अन्य भाषा कोई अर्थहीन अस्पष्ट उच्चारण नहीं होता, बल्कि एक ऐसी भाषा होती है जिसको भली भांति समझा जा सकता है। और इसको हम देखेंगे बाइबल में से। तो यहाँ पर बैठे भाई बहनों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो आज की कलिसियाओं में प्रचलित अन्य भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे कि किस तरह की अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं कलिसियाओं में। ऐसा भी हो सकता है कि आप मसीही परिवार से या मसीही बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप ना जानते हो कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो उनके लाभ के लिए मैं आपको एक छोटा सा रिकॉर्डेड क्लिप सुनाऊंगा पहले, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए सबको कि हम किस अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक नमूना है, जरूरी नहीं है कि सब लोग इसी तरह बात करते हों। तो मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूं। बलावा शबरावा शबला शिगरावा शबलावा शबरावा शबलावा शबरावा शिगरा संबलावा शबरावा शबरा कुरियलावा शिबरा देरी शबलावा शिंगरा शबबबा शबबबा ईरियलावा शबरावा 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 शिकरावा शबरावा शिंगरा संबलावा शबरावा शबरा कुरियलावा शिगरावा शबरावा शिंगरा शबरावा कुरियलावा शिकरावा शबरावा। अब ये जो भाषा आप लोगों ने सुनी, जाहिर है किसी को समझ नहीं आई होगी। बाइबल में जिस अन्य भाषा का उल्लेख है प्रेरितों के 2 अध्याय में, उसका मतलब है कि परमेश्वर अपने कार्य के लिए किसी को ऐसी भाषा का दान देता है जो उसने पहले कभी सीखी नहीं होती, पर वो भाषा विश्व में कहीं ना कहीं बोली जाती है और पूर्ण रूप से समझी भी जाती है। मतलब ये कि वो विश्व की अनेक भाषाओं में से एक होती है जो आम बोलचाल के प्रयोग में की जाती है। इस दान का लाभ ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे प्रदेश में गए जहां की भाषा आपको नहीं आती, तो इस दान का लाभ उठाकर आप वहां के वासियों को उनकी भाषा में सुसमाचार सुना सकते हैं, ताकि उनका उद्धार हो सके। तो उस भाषा में और इस भाषा में जो भी आपने सुना, इनमें से कौन सी भाषा पवित्र आत्मा का दान है, यही है आज की चर्चा का विषय। दोनों भाषाओं को अलग अलग संबोधित करने के लिए मैं एक को अनान्य भाषा कहूंगा, जो प्रेरितों के 2 अध्याय में लिखा है जैसे, क्योंकि ये दान अनेकों भाषाओं में है। बहुवचन, अन्य अन्य भाषा यानी अनान्य भाषा, ग्रामर व्याकरण देखें तो बहुवचन हो जाता है वो। और दूसरे भाषा को मैं कहूंगा अन्य भाषा या अनजान भाषा, क्योंकि ये जो आपने सुना ये अनजान है, कोई नहीं समझ सकता इसको। अब ये जो अन्य भाषा जो है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, अनजान भाषा, इसका व्याकरण एक वचन है सिंगुलर, और जो पहले मैंने बताया था प्रेरितों के 2 अध्याय में, दैट इज प्लूरल, उसको बोलते हैं अन्य अन्य भाषा। तो अनान्य भाषा, ये वाला अन्य भाषा जो अनजान भाषा है, इसमें कोई अलग अलग भाषाएं नहीं होती हैं, ये सब एक श्रेणी में आती है, इन वन कैटेगरी। इसलिए इसको अनजान भाषा बोल के एक श्रेणी में डाल के रख देते हैं। उसके बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, शब्दों का उच्चारण अलग हो सकता है, लेकिन वो इट इज वन कैटेगरी, एक श्रेणी है वो। इससे पहले कि हम बाइबल के वचनों में जाएं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जब आरंभिक कलीसियाओं को पिंतेकुस्त के दिन से ही पता लग गया था कि अन्य भाषा का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सबसे पहली बार तो अन्य भाषा पिंतेकुस्त के दिन पता चला था जब पवित्र आत्मा उतरा था, एक ऐसी भाषा जो शिष्यों ने बोली जो बहुत स्पष्ट रूप से समझी जा सकती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कुरिन्थियों की कलीसिया में जिससे पौलुस को अपनी पत्री पहली कुरिन्थियों में जो 14 अध्याय उसने लिखा है, पूरा अध्याय 40 आयतों का अध्याय, इतना लंबा अध्याय बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें, तो क्यों लिखना पड़ा उसको? क्योंकि पौलुस जो था उस कलीसिया में हो रहे एक बहुत बड़े विवाद को संबोधित कर रहा था, एड्रेस कर रहा था। जब सबको आरंभ से ही पता था कि अन्य भाषा का तो दान जो प्रेरितों को मिला है वो क्या है, तो फिर विवाद की स्थिति तो उत्पन्न होने ही नहीं चाहिए थी किसी भी कलीसिया में। कहीं ना कहीं कोई ऐसी भाषा कलीसिया में प्रवेश कर गई थी जो पौलुस ने उन्हें नहीं सिखाई थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, और वो विवाद कलीसिया को
तोड़ रहा था। इसलिए पौलुस को इतना लंबा अध्याय लिखना पड़ा अपनी पत्री में इस विवाद को लेकर। मतलब ये कि अगर इस अनजान भाषा की जानकारी पौलुस को आरंभ से होती और इस भाषा से कलीसिया की प्रगति हो रही होती तो पौलुस को कोई आवश्यकता नहीं थी इसके बारे में लिखकर अपना समय नष्ट करने की, क्योंकि वो तो एक जायज भाषा होती और उससे कलीसिया की उन्नति हो रही होती, तो फिर पौलुस को ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसने ये लिखा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी, तभी उसने ये पत्री लिखी है पूरी। अगर ये अनजान भाषा वास्तव में किसी मसीही का या कलीसिया का भला कर रही होती तो पौलुस ने इसका प्रचार दूसरी कलीसियाओं में क्यों नहीं किया, उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं किया, या कम से कम गलातियों में जो उसने पत्री लिखा, इफिसियों का पत्री लिखा, फिलिपियों को लिखा, कुलुसियों को लिखा, थिस्सलुनीकियों को लिखा, किसी में भी इस भाषा के बारे में क्यों नहीं है? क्या उनमें से किसी भी कलीसिया में यह दान नहीं था? पहले कुरिन्थियों के बाद 20 और पुस्तकें लिखी गई बाइबल में, नए नियम में। उसके बाद यूहन्ना, याकूब, पत्रस ने भी पत्रियां लिखी, लेकिन उनमें से किसी में भी इस अनजान भाषा का उल्लेख क्यों नहीं है, यह हमें सोचना चाहिए। प्रेरितों में से कोई भी इस अनजान भाषा में क्यों नहीं बोलता था? वो जो बोलते थे वो अनान्य भाषा थी, प्लूरल, बहुवचन, टंग्स, जिसमें एस लगता है। और जो कलीसिया में जो विवाद खड़ा हो रहा था वो एक श्रेणी का था, एक वचन जिसमें एस नहीं लगता है, टंग, TONGUE, एस नहीं लगता उसमें। ये बहुत बड़ा अंतर है जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा, अगर हम इस बात को ध्यान में रखें। आप शायद कहेंगे पौलुस ऐसी भाषा बोलता था, उसने पहले कुरिन्थियों को 14:18 में कहा है, पौलुस ने जो बोला था वो अन्य भाषा जो पौलुस बोलता था वो अनजान भाषा नहीं थी, बल्कि वही वरदान था जो पत्रस और अन्य प्रेरितों को पिंतेकुस्त के दिन मिला था, स्पष्ट भाषा। इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर पौलुस को हटा भी दिया जाए तो भी बाकी प्रेरित इस अनजान आत्मिक रहस्यमय भाषा में क्यों नहीं बोलते थे? दूसरे प्रेरित भी थे, वो भी नहीं बोलते थे ऐसी अनजान रहस्यमय भाषा में जो आजकल कलीसियाओं में बहुत ज्यादा प्रचलित है। क्या परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे आत्मा से उससे बात करें, उसके प्रेरित? आखिर उन्हीं को तो यीशु ने नियुक्त किया था पृथ्वी के कोने कोने में जाकर सुसमाचार बांटने को, तो उसमें क्या बुराई होती अगर उसके प्रेरित भी उसी भाषा में आत्मा से बात करते अपने परमेश्वर से? वो तो उसकी उनकी उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा होता, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बोला, कहीं उसका जिक्र क्यों नहीं है बाइबल में? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आरंभ करते हैं प्रेरितों के दूसरे अध्याय से, जहां अन्य भाषा की शुरुआत हुई। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं प्रेरितों का दूसरा अध्याय, पहले वचन से मैं पढ़ूंगा और हम थोड़ा स्लो चलेंगे इसमें क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग बाइबल खोल लीजिए, प्रेरितों का दूसरा अध्याय, एक बार हमें ये समझ में आ जाए कि बाइबल क्या सिखा रहा है तो हमारा ये जो उलझन है अन्य भाषा को लेके वो एकदम सुलझ जाएगा। तो पहली आयत से पढ़ रहा हूं मैं, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, यानी कि बहुत जोर का साउंड हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर ऐसा साउंड हो जिससे कि ये पूरा हॉल गूंज जाए तो बाहर के बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर जानबूझकर यहूदियों को बताना चाहता था कि कुछ हो रहा है एक चिन्ह के तौर पर, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। पहले कभी नहीं हुआ था, ना यहूदियों के इतिहास में ना मानव के इतिहास में, कि ऐसी जीभ जो आग की जीभ आके किसी पर ठहरी। पहली बार हो रहा था, बहुत बड़ा चिन्ह जो परमेश्वर ही कर सकता था। आज कलीसियाओं में जो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं वे कहते हैं कि अन्य भाषा ही चिन्ह होती है कि किसी को पवित्र आत्मा मिला कि नहीं, जैसे हमने अपने पिछले संदेश में भी बताया, जैसे कि प्रेरितों को मिला था। तो मैं उनसे पूछता हूं, प्रेरितों को जो अन्य भाषा मिला था अगर वो चिन्ह था तो बाइबल मुझे ये सिखाती है कि उनके ऊपर तो जीभे भी फटती हुई दिखाई दी थी। क्या आपके ऊपर भी जीभे फटती दिखाई दी? क्या आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा मिलने से पहले, जब आपको, जिस दिन आपका उद्धार हुआ,
उससे पहले बहुत बड़ी आंधी या ध्वनि या साउंड कुछ आया था? अगर नहीं आया था तो फिर आप चिन्ह कैसे बोल सकते हैं उसको? प्रेरित अन्य भाषा में नहीं बोलते थे, बल्कि अनान्य भाषा में बोलते थे, मतलब अलग अलग भाषाओं में बोले। अनान्य भाषा में बोलना चिन्ह होता है, वो कोई रहस्यमय अनजान भाषा नहीं होती, जिसको हम आगे देखेंगे। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था किसी विशेष कार्य के लिए और वापस चला जाता था, लेकिन अब पवित्र आत्मा स्थायी रूप से स्वर्ग से उतर आया था, जिसकी प्रतिज्ञा, जैसे हमने पिछले संदेश में बताया था, परमेश्वर ने की थी लूका 24:49 में और प्रेरितों के 1:4 में, जिसमें मैंने बताया था कि वो सामर्थ स्वर्ग से आएगा। लेकिन इस बात पर यहूदी आसानी से विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि वे तो हर बात के लिए चिन्ह मांगते थे। याद है शास्त्री और फरीसी जब यीशु से बोलते थे कि हमें एक चिन्ह दिखाओ, वो हमेशा चिन्ह मांगते थे। उसके बिना वो कभी भी नहीं स्वीकार कर सकते थे कि ये परमेश्वर की तरफ से है। तो यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी जो होते हैं वो दिमाग से चलते हैं, वो हमेशा खोज करते हैं ज्ञान से, पर जो यहूदी हमेशा चिन्ह मांगता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना बाइबल को कि हम यहूदियों की किताब पढ़ रहे हैं। यीशु भी यहूदी था। जब तक हमें यहूदियों की नजर से समझ नहीं आएगा हर चीज, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि उनका क्या तरीका है इसको देखने का, इस चिन्ह को। आपको मालूम है परमेश्वर ने पिंतेकुस्त का दिन ही क्यों चुना पवित्र आत्मा को नीचे उतारने के लिए? क्योंकि पिंतेकुस्त के दिन ही परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था की आज्ञाएं दी थी। तो ये परमेश्वर के बताने का तरीका था कि व्यवस्था के दिन अब समाप्त हुए और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का नया युग आरंभ हो गया। ये परमेश्वर का तरीका था, इसीलिए उसने पिंतेकुस्त के दिन, जो यहूदी हर साल मनाते थे, उसी दिन उसने आत्मा को उतारा। उसने बोला व्यवस्था खत्म, आत्मा की आज्ञाओं पे आप चलोगे, कलीसिया का जन्म हो गया, द इनॉग्रेशन ऑफ द चर्च। जो पहले व्यवस्था में रहकर आज्ञाओं का पालन करते थे, वे अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। यही थी परमेश्वर की योजना। अब यहूदी जो सदियों से मूसा की व्यवस्था पर चले आ रहे थे, उन्हें अपने मंदिर पर, उनमें चढ़ाए जाने वाले बलिदानों पर, अपने आराधनालयों पर, अपने यहोवा परमेश्वर पर गर्व था। वो क्यों यीशु के चेलों के छोटे से समूह को स्वीकृति देकर उसमें शामिल होना चाहेंगे? क्योंकि वो तो सिर्फ 12 थे। क्यों उसमें शामिल होंगे? अपनी इतनी बड़ी व्यवस्था, मूसा की आज्ञाएं, मंदिर के बलिदान, जिसमें उनके पीढ़ियों से जो उनके बाप दादा करते आ रहे थे, उसको छोड़ के वो इस ग्रुप में क्यों शामिल हो जाएंगे? बहुत बड़े चिन्ह की जरूरत थी उनको समझाने के लिए कि यही है वो परमेश्वर का कार्य जो तुम्हारे मूसा से निकलकर अब यहां आ गया है। इसलिए उनको बहुत बड़ा चिन्ह देना पड़ा परमेश्वर को, पवित्र आत्मा के स्थायी रूप से आगमन के लिए। पहले बड़ी आंधी आई, गर्जना हुई, फिर बाद में प्रेरितों के ऊपर जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उसके बाद जो हुआ वो यहूदियों के इतिहास में पहली बार हुआ था, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। चौथा वचन, चौथी आयत जो कहती है, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्लूरल, बहुत सारी भाषाएं। किस में बोलने का सामर्थ्य दिया? अन्य अन्य भाषाओं में, मतलब। और पांचवें आयत में बताता है, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। क्योंकि अलग अलग जातियों के यहूदी जो पिंतक उसके पर्व के लिए यरूशलेम में रुके हुए थे, वे अलग अलग भाषा बोलते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी भाषा में बोल रहा है। मतलब ये कि अगर आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, वह है यहाँ पर, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, तो सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था, चाहे बोलने वाले को इनमें से कोई भी भाषा ना आती हो। ये था वो चिन्ह जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिया उस समय, पिंतेकुस्त के समय, ये बताने के लिए कि वो यीशु जिसको तुमने क्रूस पर लटका दिया, वही तुम्हारा मसीहा था। और ये जो अनान्य भाषा में बोल रहे हैं, ये उसके प्रेरित हैं, अपोसल्स, जो अब तुमको उसका सुसमाचार सुनाएंगे। यहूदी भयभीत हो गए थे परमेश्वर के भय से। इसीलिए प्रेरितों का 2:36 कहता है, इन चिन्हों की वजह से ही उन यहूदियों के हृदय, जो पीढ़ियों से मूसा की व्यवस्था में चल रहे थे, एक नई व्यवस्था के लिए तैयार हो गए। कौन सी व्यवस्था? कलीसिया, चर्च। नहीं तो उनके हृदय तैयार नहीं हो सकते थे।
और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं है, क्या ये गलील के नहीं है ये लोग, गलील जो जगह है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। ये चमत्कार पहली बार हुआ था मनुष्य के इतिहास में। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपुदिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश के जो कुरेने के आसपास के हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी। यहां 16 अलग अलग भाषाओं में बोला चेलों ने, लेकिन क्या बोला, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा। मतलब सुनने वालों को साफ साफ समझ आ रहा था कि क्या बोला जा रहा है, कोई अनजान भाषा नहीं थी वो। वे किसी अर्थहीन अस्पष्ट भाषा में नहीं बोल रहे थे जैसा कि आजकल का प्रचलन है, जो भाषा आपने रिकॉर्डिंग में सुनी। तो अब यह समझना आवश्यक है कि स्पष्ट रूप से बोली और सुनी जाने वाली अनान्य भाषा यानी बहुवचन का यह दान, जो दूसरों को सुसमाचार सुनाने और दूसरों को आत्मिक उन्नति देने के लिए दिया गया था, वो कब और कैसे एक अनजान अस्पष्ट भाषा में बदल गया जो सिर्फ स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। किस लिए दिया था अनान्य भाषा का दान? लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए नहीं दिया था परमेश्वर ने वो दान। इसको कृपया याद रखिए क्योंकि आगे काम आएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री की पृष्ठभूमि समझनी होगी। यूनान के शहर कुरिन्थ में जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें एक आयत दो आयत नहीं निकालने चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह पत्री यहां पर क्यों है, किसके नाम से लिखी गई है, किसने लिखी है, समय कौन सा था। उससे हमें संदर्भ मिलने शुरू होते हैं और हमें समझ में आना शुरू होता है कि यह पत्री किसको संबोधित की जा रही है, क्यों की जा रही है। उसकी रोशनी में हमें समझ में आने शुरू होती हैं सारी आयतें। तो यूनान का जो शहर कुरिंथ था अत्यंत भ्रष्ट और अनैतिक था, इमोरल, आइडोलेट्रस। प्राचीन काल से ही मूर्ति पूजकों और अन्य जातियों के हर्षोन्माद और उल्लास का प्रचलन था वहां पर। कुरिंथ में 2000 फीट का एक मंदिर था, देवी एफ्रोडाइट का नाम उसका, जो देवी का नाम था, और वो सिबली नामक प्राचीन धर्म के अनुयायी थे, सदियों से चला आ रहा था। इस मंदिर में 100 से भी ज्यादा पुरोहित और पुजारी थे और सैकड़ों मंदिर की वैश्याएं थी। कुरिंथ के शासकों को मंदिर से बहुत पैसा मिलता था, ट्रेजरी में से टैक्स मिलता था, इसलिए ये भ्रष्ट धर्म जो था वो कानूनी बन गया था। मतलब सरकार उसकी इजाजत दे रहा था जबकि ये बहुत भ्रष्ट धर्म था। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी छाप आज भी बहुत सारे धर्मों में दिखाई देती है। अब इस धर्म में कुछ पर्व की रातें होती थी जिसमें चांद निकलता था और ये मूर्ति पूजक बड़ी धूमधाम से ढोल मंजीरे और नाच गाने के साथ अपना जुलूस निकालते थे, जिसमें वह बड़े जोश में पागलपन के साथ नाचते थे और उनमें देवी एफ्रोडाइट की आत्मा आ जाती थी। फिर वे अपना नियंत्रण खो देते थे और अनजान अस्पष्ट भाषा में जोर जोर से बड़बड़ाने लग जाते थे। और यह सिर्फ सिबली धर्म ही नहीं था बल्कि डायोनिशियन नाम का एक और अन्य धर्म भी था जो अपोलो नामक एक देवता, कभी भी आप गूगल में जाएं अपोलो टाइप करें या ग्रीक गॉड टाइप करें तो ये सारी हिस्ट्री आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी, एक देवता की पूजा करते थे। पर दोनों ही धर्म रहस्यमय थे। परमेश्वर का कोई भी काम रहस्यमय नहीं होता है, वो बता देता है, अगर वो छुपाता भी है तो बता देता है। उसका मकसद कभी भी ये नहीं होता कि मैं ना बताऊं और लोगों को उलझन में रखूं, हमेशा स्पष्ट बताने वाला परमेश्वर है। पर दोनों ही धर्म रहस्यमय थे, इसलिए कोई हैराने की बात नहीं है कि कुरिंथ चर्च में ही इस समस्या ने जोर पकड़ा और कहीं पर नहीं। बाइबल में किसी और पत्री में इसका जिक्र ही नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ कुरिंथ में क्यों। अब जब ऐसे धर्मों में से लोग मसीह में आए तो कहीं ना कहीं इन रहस्यमय अभ्यासों की छाप उन पर पड़ गई थी। इन धर्मों का प्रभाव कुरिंथ कलीसिया में सिर्फ अनजान भाषा पर नहीं था, बल्कि कुरिंथ कलीसिया में सिर्फ अनजान भाषा पर नहीं था बल्कि दूसरे कई रीति से भी था। कैसे? इसलिए पौलुस ने, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पत्री में कुरिंथियों को फटकारा है। समझने की बात यह है कि जब यह पत्री लिखी गई थी तो पौलुस के माइंड में क्या चल रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। वो कोई ऐसा प्रेम पूर्वक पत्र नहीं लिख रहा था। अगर आप ध्यान से कुरिंथियों को पढ़ें, फर्स्ट कुरिंथियंस, ही वाज रिब्यूकिंग देम, एग्जॉर्टिंग देम, एडमोनिशिंग देम, मतलब वो उनको
बता रहा था कि बहुत कुछ गलत चल रहा है। मेरे दूसरी मिशनरी ट्रिप में जब वो गया था तब उसने वो कलीसिया स्थापित करी थी, फिर 18 महीने वहाँ रहा था, उसके बाद वो वापस आ गया था। पीछे से बहुत कुछ भ्रष्टता उसके अंदर आती जा रही थी कुरिन्थी कलीसिया में, इसलिए उसने ये पत्री लिखी। कुरिन्थ शहर की जितनी भी बुराइयां थी वो सब कुरिन्थी कलीसिया में प्रवेश करने लग गई, इसलिए पॉलुस ने ये पत्री एक सुधार प्रणाली के रूप में लिखी थी कलीसिया को सुधारने के लिए। प्रेम तो करता था वो कलीसिया से, क्योंकि उसी ने उस कलीसिया को स्थापित किया था, ही प्लांटेड द चर्च। वो चरवाहा था, प्रेम करता था, लेकिन सुधार आवश्यक था, इसलिए उसने ये पत्री लिखी। तीसरे अध्याय में पॉलुस ने चर्च में विभाजन के लिए डांटा है। जब आप कभी घर जाके पढ़ेंगे, हर जगह थोड़ा थोड़ा उसने डांटा है या झिड़का है, लेकिन प्रेम के साथ समझाया भी है। तो तीसरा जो अध्याय था उसमें एक आदत होती है यूनानियों की, वो किसी ना किसी को जो बहुत फेमस हो जाता है उसको अपना आइडल बना लेते हैं, हीरो बना लेते हैं कि ये मेरा हीरो है। तो वो उनका जो बैकग्राउंड था वो वैसा था, तो उन्होंने कलीसिया में भी वही शुरू कर दिया। कोई बोला मैं अपुल्लुस का न्याय हूं, कोई कह रहा था मैं पौलुस का न्याय हूं, लेकिन हम सब किसके अनुयायी हैं? तो वो जो बटरा था वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था कुरिन्थियों का वही था, उनके कल्चर में था, इसलिए वो बट रहा था। क्योंकि कुरिन्थियों का चलन हमेशा वो हीरो बना लेते थे और अपने अपने ग्रुप मत बना लेते थे अलग अलग, इसके लिए उसने पत्री में लिखा। और उसके अलावा बहुत ज्यादा वहां पर अनैतिकता, सेक्सुअल इमोरालिटी जो 5वें और 6वें अध्याय में हमको मिलता है, और उसके अलावा 6वें में अगर आप देखेंगे तो वो एक दूसरे को न्यायालय ले जा रहे थे झगड़ों के ऊपर। और कोरिंथ में पौलुस उनको क्या समझाता है? क्यों तुम न्यायालय ले जा रहे हो? एक समय आएगा जब यीशु तुम्हें बिठाया गया ऐसे स्थानों पर जहां तुम लोगों का स्वर्गदूतों का न्याय कर लोगों का न्याय कर रहे होगे, तब तुम क्यों आपस में एक दूसरे को न्यायालय ले जा रहे हो? क्या ये समस्या यहां सुलझ नहीं सकती कलीसिया के अंदर? वो उनको समझा रहा था कि ये सब तुम्हारे कलीसिया में गलत हो रहा है। उसके बाद 7वें में उसने समझाया जो उलझन थी शादी को लेके, कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसको लेके उसने समझाया उनको कि क्यों उलझन में पड़े हो। उसके बाद 5वें और 6वें में उसने जो बताया था वो कामुक अनैतिकता के बारे में था, जिसकी उसने निंदा करी थी, और वो बहुत उलझन में पड़े थे ये जो अन्य जातियों के जो पर्व होते हैं इनको लेके, और इनकी जो मूर्ति पूजा होती है इनको लेके। उसने 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में बताया, किसी ने पूछा कि मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये सब कुरिन्थ में आते जा रहा था और कलीसिया को बांट रहा था वो। तो उसने हर अध्याय में कोई ना कोई विवाद को संबोधित किया, इसीलिए उसने ये पत्री लिखी। 12वीं में क्या करा उसने? जो आत्मा के जो दानों को लेकर जो गलत धारणा चल रही थी उसको सुधारता है, उनका अर्थ समझाता है कि तुम दानों को लेकर इतना विवाद क्यों कर रहे हो? दान तो कलीसिया की उन्नति के लिए होते हैं, लेकिन ये तो तुम बांट रहे हो। तो उसका जो टोन था उसमें झिड़क भी थी, प्रेम भी था, सुधार भी था। इसी टोन पे चलते चलते वो 14वें अध्याय में पहुंचता है। तो पूरा बैकग्राउंड जब आप समझोगे कि वो सुधार प्रणाली चल रही है, तो जब प्रवेश करता है तो वहां इस अनजान अस्पष्ट भाषा को का जो चलन कलीसिया में शुरू हो गया था मूर्ति पूजक धर्मों के प्रभाव से, उसको सुधारने की वो कोशिश करता है। आमतौर पर जो ऐसी अनजान भाषा का समर्थन करते हैं वे केवल जो 14वां अध्याय का दूसरा वचन जो होता है वहीं पर जाकर रुक जाते हैं, वो उससे आगे नहीं पढ़ते हैं पूरा अध्याय, और ना पीछे पढ़ते हैं कि पीछे ये कहां से शुरू हुई पत्री। एक वचन पर अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं पढ़ते हैं, उससे गलत धारणा पैदा होती है। और हर्मेन्यूटिक्स का जो सिद्धांत मैं बता रहा था, एक सब्जेक्ट होता है सेमिनरीज में जिसमें किसी भी आयत को या अध्याय को समझने के लिए हमें अगला पिछला पुराना नियम नया नियम सारे संदर्भ देखने पड़ते हैं तब समझ में आता है, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर उस जगह का इतिहास समझना पड़ता है जो शायद बाइबल में नहीं होता, तब समझ में आता है कि पॉलुस क्या कह रहा है। द लॉ ऑफ हर्मेन्यूटिक्स, जिसके तहत कभी भी एक आयत को लेकर कोई सिद्धांत नहीं बनाया जाता। योहन्ना का 10वां अध्याय 35वां वचन में यीशु ने कहा था शास्त्र को तोड़ा या बांटा नहीं जा सकता, वो एक है। तो पहले हमें यह तो समझना होगा कि पौलुस ये पत्री कुरिन्थियों को क्यों लिख रहा है, मतलब सुधार के लिए लिख रहा है, वहां कुछ गड़बड़ चल रही थी। फिर जब 14वें अध्याय की भूमिका उसने 12वें और 13वें अध्याय में ही बांध दी थी। पौलुस जो था वो बोलने में इतना सामर्थ्य नहीं था उसका, लेकिन जब वो लिखता था अपनी पत्री में
तो बहुत बहुत कुछ ऐसा लिख देता था कि कलिसिया में सुधार हो जाता था। ये उसका दान था। तो पौलुस कह रहा है कि वहां कुछ गड़बड़ है। उसने भूमिका बांधी 12वें और 13वें अध्याय में। 12वें अध्याय में उसने दानों के बारे में बताया और बोला आप लोग दानों को लेकर लड़ रहे हो कि मेरा ये दान है, मैं ज्यादा जरूरी हूं। आप कह रही है कि मुझे कान की जरूरत नहीं है। वो ये उनको समझा रहा है कि 13वें अध्याय में जब वो पहुंचता है बोलता है आप एक चीज तो भूल ही गए, प्रेम जो सब दानों से ऊपर है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है और बाकी दानों को लेकर विवाद चल रहा है। इसका मतलब आप दानों का मतलब नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर की योजना आपकी कलीसिया में पूर्ण नहीं होने वाली है। तो जब जब इसी टोन पे वो बताते जा रहा था लोगों को, हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में से 12वें अध्याय का पहला वचन। अब 14 को समझने के लिए 12 की जरूरत क्यों पड़ती है, इस ये आज आपको मैं बताना चाहता हूं। हम 12वें अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे पहले, शुरुआत वो कहां से कर रहा है मालूम है? वो कह रहा है हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। हाँ, पहले कुरिन्थियों का 12वां अध्याय पहला वचन कह रहा है मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, यहां पे हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आती है, तो गूंगी मूरतों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। क्यों बता रहा पौलुस ये बात? क्योंकि 14वें अध्याय में वो इसको कनेक्ट करता है उन्हीं अभ्यासों को लेकर, उसी अन्य भाषा को लेकर जो मूर्ति पूजकों में चलती थी। तो लोगों को यह भी पढ़ना चाहिए जो बाइबल पढ़ता है कि 12वें में ऐसा क्यों बोला। पौलुस समझा रहा था कि पहले तुम अन्य जाति और मूर्ति पूजकों के साथ रह रहकर जो अभ्यास करते थे उनको आत्मा के वरदानों के साथ मत उलझाओ। वो पृष्ठभूमि बांध रहा था, उसका प्रीफेस बना रहा था। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। कभी सोचा अपने सोचन के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब किस संदर्भ में कह रहे हो? कौन कहता है जो यीशु श्रापित है? तो कह रहा है जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कभी नहीं बोलेगा कि यीशु श्रापित है। मतलब क्या हुआ? दूसरी आत्माओं के प्रभाव से आप ऐसा बोल सकते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपसे वो शक्तियां करवाएंगी जो यीशु के दुश्मन है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने आगे बोला जो हमने पहले भी डिस्कस किया। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। मतलब अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर पवित्र आत्मा के दान हैं, तो आप बोलेंगे यीशु प्रभु है। ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहा था। इसमें जो यूनानी शब्द जो यूज करता है वो है लैलियो, लैलियो LALEO। हमें ज्यादा डिटेल में जाने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। उसमें उसका मतलब होता है एक अनजान भाषा, एक एक प्रकार की ध्वनि, एक साउंड बनाते हैं उसमें, जैसे जानवर बनाते हैं। और उसमें वो क्यों बनता है लोगों से? क्योंकि वो अपने माइंड को न्यूट्रल छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तब वो वैसे साउंड निकालना शुरू करते हैं। और वो जब वो खाली छोड़ देते हैं तो वो साउंड निकालते निकालते भावनाओं में आ जाते हैं। वो भावनाएं हाइटेन हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन अनजाने में कभी कभी दुष्ट आत्माएं उन्हें गुमराह कर देती है और उनसे कहलवाती है कि यीशु श्रापित है। उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि शुरुआत तो हम अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन जब हम अपने माइंड को खाली छोड़ देते हैं, न्यूट्रल छोड़ देते हैं अपने मस्तिष्क को, तब वो कब्जा कर लेता है उस पर और वो उससे बुलवाता है। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। कहीं ना कहीं पौलुस ये संकेत दे रहा है कि जिस अनुभव को तुम पवित्र आत्मा का दान समझ रहे हो वो दूसरी शक्तियों का प्रभाव भी हो सकता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो समझाने की कोशिश कर रहा था उनको। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गवाहियां दी हैं कि नहीं, मैंने नहीं बोला था, किसी ने मेरे जबड़े को पकड़ के जोर से और मेरे मुंह को खोल के मुझसे वो भाषा निकलवाई थी, तो वो सोच लेता है कि ये स्वर्गीय भाषा है या पवित्र आत्मा की, मैंने नहीं बोला था। तो पौलुस उनको समझा रहा है नहीं, ये पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है, ये दूसरी शक्तियां हैं। ऐसे टेस्टिमोनीज आज भी मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि नहीं, मैंने मैंने शुरू में शायद बोला होगा कभी जब मैं नया नया विश्वासी था, लेकिन अब कोई शक्ति मुझसे बुलवाती है और वो पवित्र आत्मा है। लेकिन बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है। पवित्र आत्मा तो पहली बात आपसे कभी जबरदस्ती करेगा ही नहीं। क्यों? वायोलेशन ऑफ फ्री विल, चुनने का अधिकार तो कभी आपसे लेगा नहीं। वो कभी भी आपका जबड़ा पकड़ के आपसे प्रार्थना नहीं करवाएगा। वो परमेश्वर है। वो तो ये गलतफहमियां क्यों चल रही है, गलत धारणा है।
क्योंकि उनमें वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन में नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया, जिसका ये गवाही है, कि जब मैं ऐसे बोलने लगा थोड़ा थोड़ा अनजान भाषा में, तो मैं बेसुध हो गया और गाने लगा, और मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या गा रहा हूँ। ये सब बहुत खतरनाक है, आपत्तिजनक है। ये सब मूर्ति पूजकों और अन्य जातियों में था, आज भी कलीसियाओं में चल रहा है। इसलिए बाइबल सिखाता है कि अपने मन, अपने माइंड को कभी खाली मत छोड़ो। योगा में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, कुछ ऐसे प्रणालियां हैं जिसमें सिखाते हैं कि आपके मन को शून्य कर दो योगा में। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, उसमें दुष्ट आत्माओं का प्रभाव पड़ सकता है। हमें किस में ध्यान लगाने के लिए बोला बाइबल में? यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। खाली मत करना, शैतान अपना घर बना सकता है उसमें। सतर्क कर रहा है वो, पौलुस उनको समझा रहा है। तो दुष्ट आत्माएं हमें गुमराह नहीं करेंगी जब हम वचन में ध्यान लगा के उसमें मनन करते हैं रोज दिन रात। सफलता पाएंगे, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से हमेशा दूर रहेंगे। दूसरी बात यह कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है उसके अंदर दुष्ट आत्मा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर है वो, परमेश्वर के साथ दुष्ट आत्मा कभी नहीं आ सकता। 1 यूहन्ना 4:4 में वो ही कहता है वो, कि जो इस संसार में बाहर है, जो संसार जो तुम्हारे अंदर है वो उससे शक्तिशाली है जो संसार में बाहर है, तो आ ही नहीं सकता। लेकिन ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने विश्वास नहीं किया होता ठीक से, और वो ऐसी गलतियां करते रहते हैं। तो वो जो वर्ड यूज किया था, जो लैलियो था, वो एक ऐसी भाषा, ऐसी आवाज होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसमें कोई विचार को व्यक्त नहीं किया जाता। देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। जानवर बोलते हैं, उनकी भावनाएं होती है उसके अंदर, लेकिन विचार से नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे में उसने बोला कि जो यीशु को अपना प्रभु कहता, उसमें जो उसने शब्द कहे, कहे को जो शब्द यूज किया उसने, ग्रीक यानी यूनानी जो शब्द यूज किया, वो लेगो, LEGO, जिसका मतलब ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें सोच समझ के बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहे हैं। तो जब हम समझते हैं कि हमारी लिमिटेशन है इस लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में, पर यूनानी भाषा में ऐसी लिमिटेशन नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने वो भाषा चुनी बाइबल लिखवाने के लिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मलयालम नहीं चुना उसने, तो उसकी योजना में उसको मालूम था कि वो क्या लिख रहा है। तो हमें इसलिए वापस जाना पड़ता है उस भाषा को समझने के लिए थोड़ा बहुत, जहां पर ये उलझने पैदा होती हैं बाइबल में। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए, ये ध्यान दीजिए आप, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, ये 7वां वचन। फिर 12वें अध्याय में चल रहे हैं हम अभी, 10वीं आयत में कहता है, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की शक्ति, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, कितने प्रकार की, अनेक प्रकार की, बहुवचन, एक श्रेणी की एक भाषा के बारे में नहीं बोल रहे हो, अनेक प्रकार की भाषा मतलब अन्य अन्य अनान्य भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, अनुवाद करने का, भाषाओं का, एक भाषा का नहीं, बहुवचन। तो वो समझा रहा, धीरे धीरे एक वो बेस बना रहा है अपना, एक नींव डाल रहा है 14वें अध्याय में पहुंचने के लिए। पूरे 12वें अध्याय में उसने सिर्फ दानों के बारे में बात करी, और उसने ये समझाया कि कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता कलीसिया में, कोई दान किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। एक सदस्य जो कलीसिया का है वो दूसरे के बगैर चला नहीं सकता अपना काम, सबको सबकी जरूरत है, सब बराबर है। यही चीज वो भूमिका में बांध रहा था, क्योंकि वो कहां आने वाला था, अन्य भाषा के दानों को लेकर जो लोग कह रहे थे कि हम बड़े हैं, वहां तक पहुंचने के लिए वो सारी भूमिका बांध रहा है। उसको पता था कैसे लिखना है, आज तक पढ़ रहे हैं हम 2000 साल के बाद भी उसकी पत्रियां, और उससे हमारा जीवन संवर रहा है। तो सोचो कैसी बुद्धि दी होगी परमेश्वर ने उसको। तो पौलुस क्या कर रहा था, जो कलीसिया टूट रही थी उसको जोड़ने की और उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कलीसिया में आत्मा के दानों को लेकर लोग अपने को एक दूसरे से ऊंचा दिखा रहे थे, और इसलिए कलीसिया टूट रही थी। तो 29वें वचन में 12वें अध्याय के वो कहता है, क्या सब प्रेरित हैं, मतलब आर ऑल ऑफ यू अपोसल्स, नहीं। उसका उत्तर है नहीं, मतलब जो पूछने की जो शैली है उसका आंसर होता है नहीं, क्योंकि वो आगे पूछता जाता है, क्या सब भविष्यवक्ता हैं, नहीं। क्या सब उपदेशक हैं, नहीं। क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं, नहीं। इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं में है तो आगे भी ऐसे ही चलेगा। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है, नहीं।
क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं, मतलब अनान्य भाषा का जो दान भी था वो भी सबको नहीं मिला था। तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि अन्य भाषा या अनान्य भाषा चिन्ह है उद्धार का या पवित्र आत्मा? सबको तो मिला ही नहीं है वो दान। उसका नुकसान क्या होता है? मैं जानता हूँ पर्सनली ऐसे लोगों को, व्यक्तिगत तौर पे, जो इस बात से निराश हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं कलेक्शन में आने के बाद। बोलते हैं हमें तो मिला ही नहीं ये दान, तो लगता है हमें तो पवित्र आत्मा मिला ही नहीं, परमेश्वर ने स्वीकार ही नहीं किया। वो चले जाते हैं चर्च से बाहर। गलत शिक्षा लोगों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं कर सकती है, निरुत्साहित करती है, डिस्करेज करती है। इसलिए जरूरी होता है गलत शिक्षा के खिलाफ खड़ा होना और सही शिक्षा प्राप्त करना, नहीं तो हमारे जीवन में कोई आत्मिक उन्नति कभी होगी नहीं। पहली बात तो यह कि नाना प्रकार की भाषा का मतलब बहुवचन। दूसरा वो कह रहा है कि यह दान सबको नहीं मिलता, तो यह जरूरी चिन्ह भी नहीं हो सकता। पर कलीसियाओं में गलत शिक्षाएं आज भी चल रही हैं। अब कुरिन्थ में ऐसा जरूर है कि काफी लोगों के पास अनान्य भाषा का दान भी था, क्योंकि आरंभिक कलीसियाओं में परमेश्वर ये चिन्ह वाले दान दे रहा था, जैसे प्रेरितों को दिया था। अपोस्टल से शुरुआत हुई थी, जो प्रेरितों से जो शुरुआत हुई थी वो आरंभिक कलीसिया में प्रेरितों को और उनके निकटतम सहयोगियों को वो दे रहा था। क्योंकि बाइबल लिखा नहीं गया था, किसी को मालूम ही नहीं था कि बाइबल क्या है। अन्य अन्य जातियों से लोग आ रहे थे चर्च में, कलीसिया में, कोई बाइबल नहीं थी उनके पास। उनको चाहिए था एक चिन्ह जो ये साबित करे कि ये जो बता रहा है ये परमेश्वर की तरफ से। इसलिए दानों को भी दिया गया था, उसमें ही अनान्य भाषा भी थी, ताकि जब वो संदेश सुनाए तो लोगों को समझ में आ जाए कि ये आदमी तो तमिलनाडु का नहीं है, लेकिन ये तमिल में कैसे बोल रहा है। वो सोचते थे और उनको समझ में आता था कि ये एक चिन्ह है। तो उसमें क्या हुआ, कुरिन्थ की जो पृष्ठभूमि जो मैंने बताई कि वो अन्य जातियों और मूर्ति पूजकों से जब वो अनजान भाषा में अपने पर्वों में बोलते थे, जिसमें उनकी देवी आ जाती थी, जब वो कलीसियाओं में आए तो उनकी छाप तो उनके मन में शुरू से ही थी। जब उन्होंने देखा कि प्रेरितों को ये मिला है और कलीसिया में ये विवाद चलता है कौन बड़ा है, किसके ज्यादा दान है, तो उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमारे पास है ये दान जो प्रेरितों को मिला है अनान्य भाषा का। तो वहां से इसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। इसीलिए पौलुस को ये पत्री लिखनी पड़ी। पौलुस क्या कहता है 13वें अध्याय में, वो कहता है पहले वचन में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियों बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अब सोचो कि जब वो ऐसे लिख रहा है तो उसका अर्थ क्या बताना चाहता है वो? क्या वो बड़ाई कर रहा है ऐसी किसी भाषा की कि स्वर्गदूतों की भाषा है? पर अगर आप व्याकरण को समझो और उसकी शैली को समझो तो वो यही बता रहा है कि क्या अर्थ है ऐसी भाषा का जो किसी को समझ ही नहीं आती है। वो तो ठन ठन आता हुआ पीतल हुआ झनझनाती हुई झांझ हुई, यहीं से वो भूमिका बांध रहा है। पौलुस कभी भी ये नहीं कह रहा है कि वो स्वर्गदूतों की भाषा बोलता था, बल्कि बाइबल में जितने भी स्वर्गदूत थे उनकी भाषा मनुष्यों को आराम से समझ में आ जाती थी। सारे मनुष्य स्वर्गदूतों की भाषा समझ लेते थे। जितनी बार भी स्वर्गदूत आए उन्होंने मनुष्यों से बात करी है, तो उनकी भाषा स्पष्ट वैसे भी नहीं थी। पर वो लोगों को बता रहा है कि उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे आप कितनी भी बड़ी भाषा बोल रहे हो, लेकिन अगर उससे किसी को लाभ नहीं हो रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा, तो वो तो ठनठनाता हुआ पीतल जैसा है। लेकिन आगे वो क्या बोलता है, वो दानों से हटकर थोड़ा सा ब्रेक लेता है बीच में, कहता है दान 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 दान, इसके बारे में बात करोगे या प्रेम के बारे में बात करोगे? इसलिए वो 13वां अध्याय में वो प्रेम को लेके आता है। कहता है पहले ये तो सोचो ये दान दिए किस लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए, उसको तो आप भूल गए, आप तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो वो प्रेम का पूरा अध्याय उसने 13वें में लिखा, ठीक है। तो वो इसको याद रखिए कि एक वचन बहुवचन को लेके आप पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा हमें, सिंगुलर एंड प्लूरल। जब उसने बता दिया पहले वचन में ही प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेषकर यह कि भविष्यवाणी करो। अब यहां पर कलीसियाओं में बहुत डिस्प्यूट चलते हैं आजकल भविष्यवाणी भविष्यवाणी लेके, लेकिन अगर वो वापस यूनानी भाषा में जाएंगे और जब बाइबल जिस समय लिखी गई थी तो यूनानी भाषा के हिसाब से जो शब्द है ये प्रोफेसी जिसको बोलते हैं, ये निकल के आता है यूनानी भाषा का प्रोफ्टियो, PROPHTEU। प्रो का मतलब होता है किसी के सामने, PRO। फेमी का मतलब होता है स्पीक, मतलब जो शुरुआत हुई थी यूनानी भाषा में, प्रोफेसी का मतलब था किसी के सामने खड़ा होकर बोलना, किसी के आगे बोलना। लेकिन आगे जाके वो मध्यकालीन युग में
क्या हुआ, जब अंग्रेजी आई और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन हुआ तो आगे जाके बोलना हो गया आगे का बोलना, यानी भविष्यवाणी करना। तो इसलिए प्रोफेसी को जब भी हम सुनते हैं इंग्लिश में तो ऐसा लगता है कि जो आगे के बारे में बताने वाला है, लेकिन ग्रीक यूनानी भाषा में ऐसा नहीं था। उसमें था जो आगे सामने आगे खड़ा होकर बोल रहा है, दैट वॉज द मीनिंग ऑफ प्रोफेसी इन ग्रीक। मतलब यूनानी भाषा में भविष्यवाणी का मतलब अलग था, सामने खड़ा होकर, जैसे हम कलिसिया में करते हैं। तो नए नियम में जब हम आगे पढ़ते जाते हैं, हर जगह पर प्रोफेसी वर्ड जो यूज किया है, भविष्यवाणी, वो इसीलिए यूज किया कि वचन को सिखाना, कलिसिया को वचन सिखाना, क्योंकि भविष्यवाणियां तो पूरी हो चुकी हैं, प्रकाशित वाक्य तक तो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अब मैं कौन सी भविष्यवाणी करूंगा जब यूहन्ना ने मुझे पहले ही बोल दिया कि जो इसमें जोड़ेगा या जो इनमें से निकालेगा उस पर वो सारी विपत्ति आएंगी। तो मैं तो अपने पर विपत्ति लेना नहीं चाहता कोई भविष्यवाणी करके। अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, भविष्यवाणी करेंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, परमेश्वर बता देगा आपको। तो भविष्यवक्ताओं से पूछना जरूर चाहिए आपको कि आपको किसने अधिकार दिया, क्योंकि पुराने नियम में लिखा था कि अगर कोई भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थोड़ी सी भी गलत निकलती है तो उसको पत्थर से मार देना चाहिए। तो उनसे पूछना ठीक है, मैं आपकी भविष्यवाणी मान लेता हूँ, लेकिन अगर वो गलत निकली तो हम सब आपको पत्थर से मार दें। आम तौर पे आपको मिलेगा टेलीविजन में या बहुत जगह पे, बहुत सारे लोग कहते हैं हम भविष्यवाणी करें, और वो क्या बताते हैं जब गलत हो जाती है, तो वो बकायदा मीडिया में बताते हैं आई एम सॉरी मैंने गलती करी। तो आइए खड़े होइए, हम सब पत्थर उठाते हैं, उसके लिए क्यों नहीं तैयार होते वो, फिर बच के रहिए ऐसे भविष्यवक्ताओं से। तो ये था प्रोफेसी का मतलब, किसी के आगे खड़े होकर बताना, आगे का बताना नहीं, जैसा इंग्लिश में हम समझते हैं। दूसरे आयत में क्या कहता है, अब यहां से थोड़ा ध्यान लगाइए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इस आयत ने सबसे ज्यादा उलझन पैदा करी है आसी कलीसियाओं में, क्योंकि वो ये बोल रहा है देखो इसमें लिखा है कि वो मनुष्यों से नहीं कर रहा है, परमेश्वर से कर रहा है, तो ये परमेश्वर से करने वाली बात है। लेकिन उससे पहले जितनी भी आयतें थी, जितने भी अध्याय थे और जो वो समझा रहा था, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो वो क्या कह रहा मालूम है, वो कह रहा है मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं पिछले अध्याय में, कि सारे दान सबकी भलाई के लिए होते हैं। दूसरा तुम कह रहे हो कि मनुष्य की भाषा में बात, ये मनुष्यों से नहीं करता है परमेश्वर से करता है, तो किसका भला होगा, उसी का होगा अगर होगा भी। तो पहले 12वें में यही समझा रहा था वो कि सारे दान 7वें आयत में जो 12वें का था कि सबके लिए होता है, कलीसिया में जितने भी दान होते हैं अपने लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है वो दान, कलीसिया के लिए है। तो बता रहा था कि इस आयत के जरिए कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। इसलिए उसके आगे देखो क्या कहता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर करता है। तो क्या पौलुस जो है यहाँ पे वो तारीफ कर रहा है इसकी, आप उसकी भाषा को समझो, वो एक तरीके से व्यंग कस रहा है। व्यंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ये, और इसने जो यूज किया यहाँ पर अन्य भाषा जो एक वचन में है, उसने क्या कहा, जो अन्य भाषा में बातें करता है, उसने ये नहीं बोला अनान्य भाषा में बातें करता है, उसने ये नहीं बोला अन्य अन्य भाषाओं में बात करता है। व्याकरण जो उसने यूज किया है वो है अन्य भाषा में बात करता है, मतलब एक श्रेणी की वो भाषा जो आपने रिकॉर्डिंग में सुनी उसके बारे में बात कर रहा है वो, उस भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा जो बहुत जायज दान था, अनान्य भाषा उसके बारे में नहीं बोल रहा है वो कह रहा है ये जो भाषा तुम बोलते हो, अन्य भाषा जिसको बोल रहे हो, वो तो तुम परमेश्वर से कर रहे हो, मनुष्यों का तो कोई लाभ ही नहीं है उससे, कलीसिया का तो कोई लाभ ही नहीं है, ऐसे समझा रहे हो। उसके बाद क्या बोलता हो, अक्सर जो लोग इस अनजान अन्य भाषा का प्रचार करते हैं वे इसी आयत पर रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है, लेकिन पौलुस तो व्यंग कस रहा है। व्यंग का मतलब होता है सार्कैज्म, सार्कास्टिक होकर बोलते, उसका मतलब क्या होता है, अगर समझ लो कोई आदमी लेट आया, आप उसका इंतजार कर रहे थे, तो आप व्यंग कसते हुए उससे बोलोगे कि भाई मैंने तो सुना था कि आप हमेशा समय से आते हैं, कभी लेट नहीं होते, उसको बोलते हैं व्यंग कसना, सार्कास्टिक। और पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, वो व्यंग कस रहा है, एक तरीके से वो निंदा कर रहा है उस वचन में, कह रहा किसके काम आ रही है आपकी ये दान, तुम्हारे खुद के कलीसिया के तो कुछ काम नहीं आ रहा वो। फिर आगे बढ़ता है वो कहता है लेकिन जो भविष्यवाणी करता है, यानी कि यूनानी भाषा में जो लोगों को सिखाता है परमेश्वर का वचन उनके सामने खड़ा होकर, वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। क्यों इसने दोनों वचन जोड़े, तुलना कर रहे हो, पहले में कह रहा है कि ये किसके काम आता है तुम्हारा ये जो भाषा है, किसी के काम नहीं आता, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, उसकी तारीफ कर रहा है वो, और बता रहा है ये ज्यादा जरूरी है।
जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, चौथे आयत कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपने ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। आप खुद सोच के मुझे बताओ किसकी तारीफ कर रहा है, वो किसकी निंदा कर रहा है यहां पे? जिसकी कलीसिया की जहां उन्नति हो रही है उसकी तारीफ कर रहा है, वो उसकी सराहना कर रहा है। तो वो यही चीज आगे तक जा रहा है वो बताते हुए कि आप कह रहे हो कि अन्य भाषा, उससे तो आपकी सिर्फ उन्नति हो रही है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है, जो लोगों को सिखाता है परमेश्वर का वचन, उसके सामने खड़ा होकर उससे कलीसिया की उन्नति होती है। तो वो बार बार निंदा कर रहा है उस भाषा की, जिसको आमतौर पर वो लोग नहीं पढ़ते आयतों को, जो वहीं रुक जाते हैं दूसरे वचन में कि देखो ये तो परमेश्वर से बात करने की आयत है, ये गलत है, पूरी पत्री पढ़नी चाहिए हमारे को, पूरे अध्याय पढ़ने चाहिए, पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए। पौलुस ने ये पत्री कलीसिया को सुधारने और वापस जोड़ने के लिए लिखी थी, जैसे उसने 12वें 7 में बताया था, सबको लाभ पहुंचना चाहिए, और कलीसिया को एक साथ जोड़ने के लिए उसने दानों के बारे में बताया। उसी के लिए उसने इतना समय व्यतीत किया इन आयतों पर। अब वो व्यंग्यात्मक तौर पर कह रहा है कि क्या लाभ ऐसी अनजान भाषा का जिसको तुम पवित्र आत्मा का दान कह रहे हो। तो वो घुमाते हुए यही बात बता रहा है कि अनजान अस्पष्ट भाषा ना तो पवित्र आत्मा का दान है और ना ही इसका प्रयोग करने वाले को कोई आत्मिक लाभ होता है। इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि ये तुम्हारी बनाई हुई कहानी है, ये एक ऐसा दान है जिसको तुमने बना दिया है, इससे किसी का लाभ नहीं होता, ना उसका होता है जो बोल रहा है, किसी का लाभ नहीं होता। वो घुमाकर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, भले वो डायरेक्टली नहीं समझा रहा है, सीधे तौर पर नहीं समझा रहा है, किसी को हर्ट ना हो उस भाषा में समझा रहा है वो, क्योंकि दान जो होते हैं केवल एक मनुष्य के लिए नहीं होता है। 12:3 में वो कहता है, पहले कुरिन्थियों के पौलुस ने बताया दिया था कि ऐसी भाषा के पीछे कौन सी शक्तियां होती है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि जो श्रापित कहता है यीशु को, इस व्यंग्यात्मक शैली को वो आगे पूरे अध्याय में जारी रखते हैं। अगर ऐसी कोई भाषा होती जिसमें आपकी बुद्धि तो काम नहीं करेगी लेकिन आपकी आत्मा सीधा परमेश्वर से बात करेगी, तो सबसे पहले तो यीशु अपने चेलों को इसके बारे में सिखाता। कोई जिक्र नहीं किया यीशु ने ऐसी किसी भाषा का जिसमें बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी। पर यीशु क्या कहता है, मत्ती के 6 अध्याय के 7वें और 9वें आयत में वो कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये यीशु के वचन है। 9वें वचन में वो कहता है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब सोच समझ के आप प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। 10वें में कहता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। मतलब ये कि निरर्थक बेतुकी प्रार्थना मत करो, बक बक मत करो, यीशु के शब्द हैं ये मत्ती के 6 अध्याय। पूरी बुद्धि से सोच समझ कर ऐसी प्रार्थना करो जिसमें तुम्हारा मन और आत्मा दोनों शामिल हों। परमेश्वर हमसे ऐसी प्रार्थना नहीं करवाएगा जो हम अपने लिए या दूसरों के लिए नहीं करना चाहते। मतलब वो जबरदस्ती नहीं करवाएगा, वो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करवाएगा जो उसकी इच्छा के हिसाब से तो है लेकिन हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चुनने का अधिकार जो आदम से लेकर सारे मनुष्यों को मिला है उसमें बाधा नहीं डालता। वो फ्री विल, ही कैन नॉट वायलेट द फ्री विल दैट हैज बीन गिवन टू मैन। तो जब यीशु खुद स्वयं प्रार्थना करता था, सबको मालूम है गतसमनी के बगीचे में जब प्रार्थना किया था, जब सबसे ज्यादा उसको अपने पिता की आवश्यकता थी, तो यीशु ने कोई अनजान भाषा में प्रार्थना नहीं करी थी, उसने साफ स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना करी थी अपने पिता परमेश्वर से। क्यों? अगर ऐसी कोई भाषा होती जो वो परमेश्वर से आत्मिक तौर पर कर सकता तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शब्दों में किया। मुझे याद है बॉम्बे में एक बार मैं जीरोक्स की दुकान में गया था, तो वहां पे एक, ये पुरानी बात है तब करीब 7-8 साल पुरानी, तब मैं विश्वासी था और बढ़ रहा था, तो वो लोग कुछ क्रिश्चियन मटेरियल का जीरोक्स करवा रहे थे। तो मैंने देखा वो क्रिश्चियन है, मैंने उनसे बात करना शुरू किया, तो ऐसी बात चलते चलते कि आप किस कलीसिया में जाते हैं, आप किस में जाते हैं, सिद्धांतों पे बात आ गई और अन्य भाषाओं को लेकर बात शुरू हो गई। तो वो लड़की, उसकी उम्र कोई 17-18 साल की थी, उसने मुझे बोला कि अन्य भाषा में हम बात क्यों करते मालूम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जो हम अपने तरफ से नहीं करना चाहेंगे। मैंने बोला कैसी प्रार्थनाएं? उसने बोला, कौन चाहता है मिशनरी बनना, कौन चाहता है इवेंजलिस्ट बनना, कौन चाहता है पास्टर बनना, सब पैसे कमाना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से कभी नहीं प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें अब मिशनरी बनाओ, इवेंजलिस्ट बनाओ,
इसलिए परमेश्वर ऐसी भाषा देता है जो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप ये प्रार्थना करोगे। मैंने कहा इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं इवेंजलिस्ट बनूँ, मैं तो ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी इवेंजलिस्ट बने, मैं तो ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी वो भी इवेंजलिस्ट बने और हम पूरा परिवार प्रभु का सुसमाचार बांटे। तो मैंने पूछा आप जो बात कर रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। फिर एक किसी ने मुझे बताया कि ऐसी भाषा का परमेश्वर इसलिए भी प्रयोग करता है कभी कभी, वो आपसे किसी ऐसे मनुष्य के लिए प्रार्थना करवाएगा जिसको आप नहीं जानते हैं, हो सकता है कि वो किसी दूसरे देश में रहती हो या रहता हो। मैंने कहा जितना मुझे बुद्धि दिया परमेश्वर ने, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी ऐसे मनुष्य के लिए प्रार्थना करवानी है जिसको मैं नहीं जानता हूं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसको जानता होगा, परमेश्वर उससे भी तो प्रार्थना करवा सकता है। और दूसरी बात तो ये है जिसके साथ समस्या है परमेश्वर उससे खुद भी तो प्रार्थना करवा सकता है, अगर जबरदस्ती ही करवाना है तो तीसरे से क्यों करवाना है। तो इन सवालों के जवाब वो कभी देते नहीं थे मुझे, क्योंकि उनके पास होते ही नहीं थे। तो मैं जब वचन जब पढ़ता था, मैंने कहा सब कुछ तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। तो पांचवा जो वचन कहता है 14वें अध्याय का, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, प्लूरल सिंगुलर नहीं, प्लीज एक वचन नहीं, बहुवचन में बातें करो, मतलब अन्य अन्य भाषा का जो दान है मैं चाहता हूं कि तुमको वो दान मिले। वो अन्य भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, मतलब अलग अलग भाषाओं का वरदान जो पिंतेकुस्त के दिन प्रेरितों को मिला था। ऐसी भाषाएं जो स्पष्ट थी और समझी जा सकती थी, वो अस्पष्ट बेतु का उच्चारण नहीं था। अंग्रेजी में हम उसको जिब्रिश बोलते हैं कभी कभी, अनजान भाषा को जो किसी को समझ नहीं आती है। जितनी भी आयतें आप आगे इस अध्याय में पढ़ते जाएंगे, बस अन्य भाषा एकवचन और अन्य भाषाएं अनान्य भाषा बहुवचन का ध्यान रखना, मतलब जो अनान्य भाषा या अन्य अन्य भाषा है वो बहुवचन है। इस पूरे अध्याय में आप पढ़ते जाएंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे पौलुस इस अनजान भाषा को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से वो सचेत कर रहा है, कुरिन्थियों को समझा रहा है कि इस निष्फल अभ्यास को छोड़ो, इसमें कोई फल नहीं निकलने वाला है, और पवित्र आत्मा के असली दानों की ओर ध्यान लगाओ ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके। ये जरूर है कि उस कलीसिया में भी ऐसे लोग थे जिनको वास्तविक दान, द ट्रू गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट ऑफ टंग्स, यानी बहुवचन वाले भी मिले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्या कर रहे थे मालूम है, वो उसका अनुचित उपयोग कर रहे थे अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। अगर मैं यहां पर एक ऐसी भाषा बोलता हूं जर्मन, अगर मुझे एक पवित्र आत्मा की अनान्य भाषा का दान मिला हुआ है और मैं भाषा में बात करता हूं जर्मनी, उसका क्या लाभ जहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उस भाषा को समझ पा रहा है। तो वो भी तो एक तरीके से निरर्थक हो गया, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, लोगों को दिखा रहा हूं कि मेरे पास एक दान है बहुत बड़ा, अपनी बड़ाई कर रहा हूं, अपनी महिमा कर रहा हूं, परमेश्वर की नहीं कर रहा हूं मैं। तो जिनको सही दान मिला था वो भी गलत उपयोग कर रहे थे, और जो गलत दान को सही दान बता रहे थे आत्मा का, वो तो गलत पहले से ही कर रहे थे। इन दोनों बातों को पौलुस ने साबित किया, कैसे, उसने 7वें अध्याय में लिखा, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा। अभी ऐसी शैली में क्यों लिख रहा है, वो बता रहा है कि इसका कोई तुक नहीं है जो भाषा तुम बोल रहे हो, पहचान में नहीं आती है। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा, क्योंकि यहूदियों को मालूम था कि जब लड़ाई के लिए वो जाते थे तो तुरही बजाई जाती थी, ट्रम्पेट ब्लो होता था, तब वो इकट्ठे होते थे आराधनालय में, ट्रम्पेट ब्लो होता था, हर एक की ध्वनि अलग होती थी, उसी से वो समझते थे कि लड़ाई के लिए है या आराधना के लिए है। अगर वो ध्वनि स्पष्ट नहीं होगी, यानी आपकी भाषा स्पष्ट नहीं होगी, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। नवे में कहता है ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें ना करो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो साफ साफ निंदा कर रहे हो, हवा से बातें कर रहे हो तुम, तो कहां से कोई कह सकता है कि नहीं पौलुस ने बोला था कि एक भाषा है जो परमेश्वर से सीधा बात करी जाती है। इतनी सारी आयतें छोड़कर अगर आप सिर्फ एक आयत पढ़ोगे और बोलोगे कि देखो इस एक आयत में लिखा है, तो मैं पूछना चाहता हूं बाकी आयतें क्यों लिखी है फिर उसने, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, 10वीं आयत में कह रहा है, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। पौलुस बोले जा रहे आगे आगे, वो रुक नहीं रहा है वो, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहराऊंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहराएगा। ये परदेशी जो वर्ड जो हिंदी में यूज किया है उसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो है बारबेरियन,
यानी कि अगर मैं एक ऐसी भाषा बोल रहा हूँ जो किसी को समझ नहीं आ रही, बारबेरियन का मतलब होता है एक तरीके से असभ्य, जंगली, तो वो बोल रहा है, वो मुझे जंगली समझेगा जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, जैसे आपने सुनी, यहां तक बोल रहा है पौलुस। फिर भी लोग कहते हैं कि ऐसी भाषा के बारे में पौलुस ने बोला। 12वीं में कहता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हें वरदानों की उन्नति से कलिसिया की उन्नति हो। उसके बाद वो कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा से मैं प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करेगी। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब अनजान भाषा में बोलना नहीं होता है, परंतु वो क्या कहता है, मेरी बुद्धि, अगर मैं अन्य भाषा में बात करूं तो तुम कहते हो कि मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं देती उसमें, मेरी बुद्धि साथ में नहीं होती है, तो हमें क्या करना चाहिए। वो कह रहा है, आत्मा से भी प्रार्थना करो और बुद्धि से भी प्रार्थना करो। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मतलब ये कि वो कह रहा है कि जब भी तुम ऐसी अनजान भाषा में बोलते हो, अगर उसमें तुम्हारी बुद्धि शामिल नहीं है तो मत करो। वो ये नहीं कह रहा है कि अनजान भाषा में बात करो, बहुत चतुर है वो। कहता है, जब उसमें तुम्हारा मन नहीं है, माइंड नहीं है, वो भाषा में बात ही मत करो, फायदा ही नहीं है उससे कुछ। नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद देगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों बोलेंगे? उनको समझ नहीं आया कि तूने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, तो वो आमीन क्यों बोलेंगे? वो इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। देखो कितनी बार निंदा करते जा रहा है वो। उसके बाद वो क्या कह रहा है, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति तो नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अनान्य भाषा में बोलता हूं। यहां उसने प्लूरल यूज किया, उसने ये नहीं बोला कि तुमसे ज्यादा तो मैं इस अनजान भाषा में बात करता हूं, उसने बोला अनान्य, प्लूरल, टंग्स, एस वाला। उसका मतलब यह है कि मेरे को वो दान है जो परमेश्वर ने दिया था। फिर उसके बाद 19वें आयत में क्या बोलता है कि छोड़ो इस झगड़े को। बोलता है, परंतु कलिसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि मैं औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से सिर्फ 5, मतलब 10,000 के मुकाबले में 5 शब्द में अगर बुद्धि से बोलूं वो काफी है कलिसिया के लिए। तो क्या कर रहा है वो, तारीफ कर रहा है उस भाषा की जो अनजान है, या निंदा कर रहा है? साफ साफ निंदा कर रहा है वो। फिर कोई भी कैसे कह सकता है कि ऐसी भाषा है? फिर उसके बाद 22वें में क्या कहता है, इसलिए कि अनान्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह होती हैं, और भविष्य भविष्यवाणी जो होती है वो अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए होती है। मतलब कलीसिया के जब लोग आते हैं तो उनको अनान्य भाषा नहीं चाहिए, उनको भविष्यवाणी यानी वचन चाहिए जो वचन के बारे में सिखा रहा है, लेकिन अविश्वासियों के लिए अनान्य भाषा चिन्ह होती है। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, चतुराई से बोल रहा है वो, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, यानी क्या, अन्य भाषा में बातें करो, क्या बोल रहा है, तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोलें। कलीसिया में क्या होता है, सब इकट्ठे बोल रहे होते हैं, सबको बोलना है अन्य भाषा में। वो चतुराई से कह रहा है दो दो या तीन तीन, मतलब उसको मालूम है कि कोई नहीं बोलने वाला उसके बाद, और एक व्यक्ति अनुवाद करे, अब इस भाषा का तो अनुवाद ही नहीं हो सकता, तो उसको मालूम है कोई कुछ बोलेगा नहीं। उसने ये नहीं बोला कि ये गलत है मत करो, चतुराई से उसने समझा दिया कि अनुवाद एक करेगा, दो से तीन से ज्यादा नहीं बोलेंगे, मतलब समाप्त कर दी उसने बात। 28वें वचन में कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। उसी की वजह से आज हमारी कलीसिया में शांति है, प्रेज गॉड फॉर दैट, राइट। तो और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे, अपने मन में करो बात, बोल रहा है। तो उसने ये नहीं बोला कि आप मत करो गलत है, बोलता मन में कर लो, होगी ना समस्या का समाधान। 39वें वचन में कह रहा है, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। मतलब धुन में किसकी रहो, बाइबल सिखाने के, वचन सिखाने के, और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। उससे पहले उसने बोल दिया कि अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो चुप रहो, यहां पे बोल रहा है नहीं नहीं मैं डांट नहीं रहा तुम्हें, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, बस तुम भविष्यवाणी पर ज्यादा ध्यान दो और अन्य भाषा बोलने से किसी को मना मत करो। लेकिन कंडीशंस जो उसने रख दी, उस हिसाब से तो अन्य भाषा कोई बोल ही नहीं सकता कलीसिया में। तो उसने इस तरीके से इसका समाधान निकाला जो लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पे अभी, क्योंकि समय खत्म होने वाला हमारे संदेश का। अगर कोई ऐसी भाषा होती जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए होती तो हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा फिर, मैं तो उसी भाषा के पीछे भागूंगा फिर, मेरा काम तो उसी से हो जाएगा। क्यों मैं बाइबल पढ़ूं, क्यों मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्यों आपको भी सिखाऊं? दूसरा, अगर कोई ऐसी भाषा है जिससे परमेश्वर
डायरेक्टली सिखा रहा आपको सीधे तौर पर, तो ये तो बड़ा अनुचित हो गया कि सबको नहीं दे रहा वो दान। मैं तो बोलूंगा परमेश्वर आपने उनको तो दिया, मुझे क्यों नहीं दिया ये दान, मुझे तो बाइबल पढ़नी पड़ रही है, उनको तो सीधा सिखा रहे हो आप, ये तो गलत है। तो परमेश्वर ऐसा करेगा क्या कभी कि हमारा जो परमेश्वर है वो पार्शियलिटी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता? तो फिर मतलब मैं तो बोल सकता हूं ना परमेश्वर से, इसकी हिस्ट्री है बहुत बड़ी कि कैसे शुरुआत हुआ था। पहली सदी से लेकर 18वीं सदी तक ज्यादा प्रचलन नहीं था इसका, ज्यादा अनजान भाषा पर कोई जोर नहीं था। इसका प्रभाव 1700 साल तक क्यों नहीं दिखाई दिया, इसके पास इसका किसी के पास जवाब नहीं है। 18वीं सदी से 19वीं सदी से ये ज्यादा जोर पकड़ना शुरू हुआ और 20वीं सदी में बहुत ज्यादा जोर हो गया। तो 20 के सालों में क्या हुआ, उसमें क्यों नहीं इतना जोर पकड़ा, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। अगर आपने नाम सुना हो जोसेफ स्मिथ, नहीं वो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम जोसेफ पॉल है। जोसेफ स्मिथ ने अपने कलीसिया में मॉर्मन्स का, अगर आपने नाम सुना हो, उसका संस्थापक था वो, तो वो अपनी कलीसिया में एक बार उसने किसी को बोला प्रार्थना करने के लिए, तो अचानक वो अनजान भाषा में प्रार्थना करने लग गया और सब हैरान हो गए, ये कौन सी भाषा है, उससे पहले उन्होंने सुनी नहीं थी। खुद जोसेफ स्मिथ वो भी हैरान हो गया कि ये कौन सी भाषा है। अब उसको स्थिति संभालनी थी, ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द सिचुएशन, क्योंकि सब तो उसी की तरफ देख रहे थे, वो तो संस्थापक था। उसने एकदम से बोला ये थी आदम की शुद्ध प्रारंभिक भाषा जो परमेश्वर ने उसे दी थी। अगर मैं वहां होता उसी समय बाइबल लेके जाता उसके पास और बोलता कि जोसेफ स्मिथ साहब, नाम से आप मेरे भाई लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आदम अनजान भाषा में बात नहीं करता था, उसने सारे जानवरों के नाम बहुत स्पष्ट रखे थे, परमेश्वर ने उसे बहुत स्पष्ट भाषा दी थी। उसने अपनी पत्नी का नाम भी अनजान भाषा में नहीं रखा था, बहुत स्पष्ट शब्दों में हव्वा रखा था बड़े प्रेम के साथ। वो प्रेम खत्म हो गया था बहुत जल्दी जब शैतान आया था। तो उसने क्या बोला जोसेफ स्मिथ ने, अपने पैरों में खड़े हो जाओ और कुछ आवाजें निकालकर बात करो, किसी भी तरह की आवाज बनाओ, प्रभु उन आवाजों में से स्वयं एक भाषा बना लेगा। मतलब आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर खुद कर लेगा, आपका काम आसान कर देगा। लेकिन पौलुस ने क्या कहा, अगर संगीत के वाद्यों के स्वरों में भेद ना हो तो फूका या बजाया जाता है जो, उसको कौन पहचानेगा। पौलुस कह रहा है क्यों, क्योंकि वो प्रेरित है, जोसेफ स्मिथ प्रेरित नहीं था। मतलब पहले कुरिन्थियों को 14:7 कहता है परमेश्वर से बात करते समय स्पष्ट बोलो, तभी तो मैं अपनी सारी समस्याएं परमेश्वर को बताऊंगा मैं, जब मैं सोच के बोल रहा हूं। तो 19वीं सदी में ये बहुत आगे बढ़ा ये मूवमेंट, जिसको जो फिर आगे जाके पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक चर्चेस में आया। हम इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, लोग जाते हैं इसमें आज भी शॉर्टकट की तलाश में, जैसे अपने पिछले संदेश में मैंने बताया था, कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे हम परमेश्वर से जुड़ जाएं और हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो आगे चलते हैं, हम लोग तीन ऐसी खत्म करने वाले हैं यहाँ पर, हम तीन ऐसे ओकेजन थे या तीन ऐसे स्थानों पर जहां पर अन्य भाषा के बारे में जिक्र हुआ है बाइबल में, अनजान भाषा के बारे में नहीं, अनान्य भाषा के बारे में। तो कौन से हैं, प्रेरितों का जो दूसरा अध्याय था उसमें तो हमने देख ही लिया था कि अनान्य भाषा में बोलने लगे थे वो, जब पतरस और दूसरे शिष्य सुसमाचार सुना रहे थे, वो प्लूरल था, बहुवचन था। फिर उसके बाद पौलुस करीब 18 से 20 साल के बाद वो इफिशो में जब गया था, इफिशुस में, तो जो यूहन्ना, जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना था, उसके शिष्य जो थे उनको पता ही नहीं था कि उद्धार कैसे होता है, पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलता है। तो प्रेरित ने, जो पौलुस था, उसने 19वें अध्याय में, प्रेरितों के 19वें अध्याय में उनको जाके बताया कि तुम्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। उनको जब समझ में आया तो उन्होंने ले लिया और उसका चिन्ह निकला कि वो अनान्य भाषा में बात करने लगे, अन्य भाषा में नहीं, अनजान भाषा में नहीं, अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। क्यों क्यों दिया वो चिन्ह वहां पे इतने सालों बाद, पहले पिंतेकोस्त ने मिला, फिर उसके बाद करीब 20 साल के बाद पौलुस को दिया। क्यों, क्योंकि पौलुस जो था उसको वो जानते तक नहीं थे कौन है। इफिसुस में जब वो गया तो उसको पता ही नहीं था, वो एक संदेश सुना रहा है, सुसमाचार सुना रहा है, और ये लोग बोलेंगे आप कौन है, हम तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के शिष्य हैं, आप कहां से आए। उसको चिन्ह चाहिए था कि ये जो आया है ये प्रेरित है पौलुस। उसने हाथ रखा और वो अनान्य भाषा में बोलने लगे, वो समझ गया कि ये परमेश्वर की तरफ से है। तो चिन्ह के तौर पे हमेशा वो काम करता रहा। इट वॉज ए साइन लैंग्वेज, साइन गिफ्ट फॉर द अपोसल्स। तो
कोई बोलता है कि आज है ये अनान्य भाषा का जो दान है ये आज है कि नहीं है, इस विवाद में बहुत समय निकल जाता है। हालांकि जो पहले ग्रंथों को जो 13 अध्याय है जिसको लोग बोलते हैं 8वें वचन में कि उसमें लिखा था कि ये समाप्त हो जाएगी, उसमें हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। चाहे वो समाप्त हो गई हो चाहे नहीं हुई भी हो, उससे हमारे मसीही जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे को जो दान मिले हैं वही मिले हैं, दूसरे को जो दान मिले हैं वही मिले हैं। कोई बोलेगा नहीं मुझे जानना है कि वो खत्म हो गए कि नहीं हुए, मैं बैठ सकता हूं उसके साथ समझाने के लिए कि वो खत्म ना होने के हमारे पास ज्यादा प्रमाण नहीं है, बल्कि खत्म हो गए हैं कि इसके प्रमाण बाइबल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं हमारे को, क्योंकि इसका जिक्र अगले 20 किताबों में जो बाइबल की 20 बुक्स जो पहले ग्रंथियों के बाद लिखे गए थे उसमें भी नहीं है। तो वो तो मैं समझा सकता हूं, लेकिन मैं उस विवाद में आज नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहां पर कोई ऐसी भाषा बोलूं, हो सकता है आप में से कोई यहां पर पंजाबी हो, गुजराती हो या किसी भी भाषा का हो, और मैं उसी भाषा में बोलूं तो आपको लाभ होगा, कलीसिया की उन्नति होगी। लेकिन मैं ऐसी अनजान भाषा में बोलूं जो मैंने रिकॉर्डिंग में सुनाई तो किसी की भी उन्नति नहीं होगी। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3000 जो जिनको उद्धार मिला था पिंते उसके दिन, उन्होंने अनान्य भाषा में बात नहीं करी थी। फिलिपी का जो दारोगा था उसने भी अनान्य भाषा में कोई बात नहीं करी थी। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि अनान्य भाषा जो है वो एक चिन्ह है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बाइबल में बताया गया है। वो आज होता है या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन वो चिन्ह है। बट अनजान रहस्यमय भाषा ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, ऐसी कोई भाषा ही नहीं है। पौलुस ने साफ साफ 14वें अध्याय में अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है आप सब लोगों को पवित्र आत्मा ने अच्छे से समझाया होगा। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो बाइबल हमें सिखाता है कि उस समय के बाद वो फेड हो जाते हैं, यानी कि मिट जाते हैं। कोई बोलेगा कि कहाँ लिखा है ये बाइबल में? अगर आप पुराने नियम से ही चलें तो मिस्र देश में जो मूसा ने चमत्कार किए थे उन चमत्कारों की जरूरत, उन विपत्तियों की जरूरत, या कोई भी चमत्कार जो मूसा ने किया था वो जंगल में उसकी जरूरत नहीं पड़ी, विल्डरनेस में वो खत्म हो गए। फिर जो दूसरे चमत्कार जो जंगल में हुए जिसमें मन्ना मिला, चट्टान से पानी मिला, उसमें एक मेघ का जो खंभा था, आग का जो खंभा था, ये सब सिर्फ जंगल के लिए था। जैसे ही उन्होंने यरदन नदी को पार किया वो सब खत्म हो गए, मन्ना भी गिरना खत्म हो गया, आप खेती करनी पड़ी उनको उसके बाद। क्यों? परमेश्वर अपने समय से चिन्ह देता है किसी काम के लिए, उसके बाद वो ले लेता है। तो हमें क्या उसमें क्या हमें क्या आपत्ति हो सकती है अगर वो कोई दान को खत्म कर देता है? सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, विषय से बाहर है थोड़ा। सेसेशन द वर्ड सीज जो यूज किया है पौलुस ने ग्रीक यूनानी भाषा में पहले ग्रंथियों के 13:8 में, सीज का मतलब क्या होता मालूम है? जो यूनानी शब्द यूज किया उसका मतलब है एक ऐसी चीज जो चलते चलते अपने आप रुक जाएगी, वो है सीज वर्ड यूज किया उसने। दूसरों के लिए उसने क्या बोला है? नॉलेज विल फेल। प्रोफेसी के लिए भी, जो भविष्यवाणी के लिए भी उसने ऐसा यूज नहीं किया, लेकिन अनान्य भाषा के लिए उसने बोला सीज। लेकिन हिंदी में जब वो आता है तो वो समाप्त हो जाता है और उस भाषा का अर्थ निकल जाता है पूरा। तो यूनानी भाषा के हिसाब से वो कभी भी खत्म हो सकती थी। और जब यूहन्ना, जो उसने आखिरी किताब कौन सी हमारी नए नियम में प्रकाशित वाक्य में कहीं कोई जिक्र नहीं है, ऐसी किसी भाषा का यूहन्ना ने जिक्र नहीं किया, यानी तब तक पहुंचते पहुंचते तो उसका जो अस्तित्व था वो बाइबल से निकल गया। तो मैं क्यों इस विवाद में पढ़ूं कि आज वो है कि नहीं? जब बाइबल में ही निकल गया तो मेरे लिए तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर होगा किसी के पास तो परमेश्वर वक्त आने पर मुझे दिखा देगा, मैं उसके पीछे अपना समय क्यों व्यर्थ करूं? मैं तो पौलुस की 14वां जो अध्याय लिखा उसने उसको पढ़ के समझ जाऊंगा कि जो दूसरी अनजान रहस्यमय भाषा है ऐसी कोई भाषा नहीं है, उससे कलीसिया का कोई उद्धार नहीं होता है। मैं आपको जाते जाते सिर्फ ये बताता हूँ संदेश खत्म करके। हमारे चर्च में, बॉम्बे के चर्च में एक पास्टर हैं, वो उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि आपका आप कैसे आए इस कलीसिया में, तो बोला मैं जिस चर्च में पहले जाता था वहां पे अन्य भाषा में टंग में बातें करते थे चिल्ला चिल्ला के, और मुझसे नहीं होता था। तो मैं सोचता था मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मैं बार बार पास्टर से बोलता था तो वो आके मेरे कान में चिल्लाता था अनजान भाषा में, और फिर भी नहीं होता था, और मैं डरने लग गया उस कलीसिया में जाने से। और उसने मुझे ये भी बोल दिया तुम्हारे अंदर तो शैतान है। ये सब क्यों होता मालूम है? गलत सिद्धांत की वजह से, गलत शिक्षा की वजह से वो डरने लग गया। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मुझे डर क्यों लग रहा है आपसे, जबकि मैंने पहले बताया कि परमेश्वर कभी डरावने रूप में प्रकट नहीं करेगा आपको।
उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला, वो सही कलेसिया में आ गया, उसने बाइबल कॉलेज किया, आज वो 10 साल से पास्टर है क्योंकि उसको सच्चा ज्ञान मिल गया। दूसरे एक पास्टर हैं, उन्होंने उनसे मैंने जब पूछा, वो गोवा के थे, हमारे कलेसिया से जुड़े हुए थे, मैंने पूछा आपका क्या था, उन्होंने बोला पहले मैं जिसमें जाता था वहां पर लोग बहुत जोर जोर से हंसते थे, गिरते थे, तो मेरे को भी धीरे धीरे आदत पड़ने लगी, और मुझे उन्होंने लिख के दिया कि इसको बोलोगे तो अन्य भाषा बन जाएगी। वो ये सब चलन आज भी बहुत सारी कलेसियों में चलता है। तो कहता था मैंने ऐसे हंसना शुरू किया, हंसते 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 मेरी भावनाएं इतनी बढ़ जाती थी, मुझे बड़ा मजा आता था हंसने में, और मैं गिर जाता था ऐसे। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहता फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि उससे मेरी कोई आत्मिक उन्नति तो हो ही नहीं रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगता उस समय जैसे कोई आदमी शराब पी लेता है उस टाइम अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। उसने देखा फिर मेरे जो दोस्त थे भाई थे उस चर्च में उनके जीवन में भी कोई फर्क नहीं आ रहा, तो मुझे समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, ये बहुत अच्छा किया, वो भी सही कलेसिया में आ गया, उसने भी बाइबल कॉलेज किया, वो भी पास्टर बन गया। जो मैंने आपको सुनाया था रिकॉर्डिंग, ये राजस्थान के हमारे चर्च के पास्टर हैं जो पहले ऐसे बोला करते थे अन्य भाषा में, लेकिन उनको हमेशा से लगता था कि यह नकली है, कभी खुश नहीं होते थे वो, लेकिन उनको शायद ऐसा लगता था कि मुझे सीखना पड़ेगा, मैं अभी कमजोर हूँ, बहुत मेहनत करते थे, यहाँ तक तो पहुँच गए थे वो जितना लिखे। लेकिन उनको बाद में समझ में आया जब वो सही कलेसिया में आया कि सब पौलुस ने मना कर दिया था कि ये गलत है। तो आज वो राजस्थान में पास्टर हैं, पिछले 5 साल से उन्होंने भी बाइबल कॉलेज किया, जब सही सिद्धांत मिल गया। बार बार मैं सही सिद्धांत के बारे में सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शैतान गलत सिद्धांत लेके आता है कलेसिया में, जो बीज जो उसने डाले थे जहर के जो गेहूं के बीच में, उसका काम है वो, हमें उससे सतर्क रहना है। आमीन।